हेलो फ्रेंड, मैं हूँ आत्माराम ताड़े और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आत्माराम पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि हम कैपेसिटर का सिलेक्शन किस तरह से करेंगे। हमें ये कैसे कंफर्म करेंगे हम कि किसी भी मोटर या फैन हो या कोई भी सिंगल फेज इक्विपमेंट हो, उसके लिए कैपेसिटर कौन से कैपेसिटी का लगाएं। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आपको ये चीज़ को समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना पड़ेगा। मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ कि जो थ्री फेज मोटर होती है, हम उसमें कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं। उसमें कैपेसिटर क्यों नहीं यूज़ करते और सिंगल फेज में ही क्यों यूज़ किया जाता है, तो उसका एक रीज़न ये होता है कि जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है, ओके। और जो थ्री फेज मोटर होती है, क्योंकि उसमें थ्री फेज रहते हैं, कोई भी मोटर हो जैसे टू फेज या थ्री फेज, उसके कारण जो है वो अल्टरनेटिंग सॉरी रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड उससे जनरेट हो जाता है, लेकिन सिंगल फेज में रोटेटिंग मैग्नेट फील्ड जनरेट नहीं होता है। उसका यही रीज़न है कि जैसे एसी की जो वेवफॉर्म होती है, हम देखेंगे ये सिंगल फेज है, अगर सिंगल फेज तो ऐसा रहेंगे, एक पॉजिटिव साइकिल रहेंगी, एक नेगेटिव रहेंगे, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव में आएंगे, हाफ साइकिल नेगेटिव में जाएंगे। तो जो हमारे जो मोटर है उसमें जो पोल लगा रहता है मैग्नेट एनएस, ओके, जो ये अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो जब मोटर घूमेंगी तो जैसे घूमना चालू होंगे तो क्या होगा कि ये कभी ये पोल कभी एन होगा, कभी एस होगा, कभी एन होगा, कभी एस होगा, मतलब हमारी मोटर कभी जैसे वो घूमने के प्रयास करेंगी कौन सी भी दिशा में, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह इस कौन सी भी रोटेशन में अगर घूमेंगी वो, तो जैसे घूमने के प्रयास करेंगी ये फिर से अपना फील्ड जो है चेंज कर देगा। जैसे ये एन था तो ये साउथ पोल हो जाएगा, जैसे साउथ था तो ये एन हो जाएगा, मतलब कुल मिला के हमारे जो मोटर है वो ना इधर जा सकेंगे ना इधर जा सकेंगे, वही वही वाइब्रेट होते रहेंगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्डर जनरेट करती है, ओके। सिंगल फेज जो है अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्डर, या आधी साइकिल में वो इधर होंगी और जैसे आधी साइकिल नेगेटिव हो जाएंगी वो फिर इधर हो जाएंगी, क्योंकि उसको कुल मिला के रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल नहीं रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं कैपेसिटर का यूज। कैपेसिटर का मेन यूज इसी के लिए किया जाता है दोस्तों। उससे क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है कि जो एसी वेवफॉर्म होती है वह उसको 90 डिग्री फेज शिफ्टिंग पे शिफ्ट कर देती है। ये 90 डिग्री फेज शिफ्टिंग आ गया हमारा कुछ इस तरह से 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें जो डिफरेंस रहेगा 90 डिग्री का रहेगा, मतलब क्या होगा, एक तो हमारे सिंगल फेज है तो सिंगल फेज के वेवफॉर्म तो इस तरह चल रही है, ठीक है, और जो कैपेसिटर आ गया वह खुद अपना एक फेज जनरेट कर लेता है। एक फेज मतलब जो 90 डिग्री पे फेज शिफ्टिंग किया, एक खुद अपना एक फेज उसने जनरेट कर लिया, मतलब कुल मिला के कितने फेज हो गए, अभी दो दो फेज हो गए, तो मोटर को टॉर्क मिलना इजी हो जाएगा। अब दो फेज मिल गए तो मोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मिल गया है, अब ये रोटेट करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि दो फेज मिल गए हैं। तो यही एक ये होता है दोस्तों, ये एक रीजन है कि हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। अब कैपेसिटर कितने कैपेसिटी का लगाए, वो कोई भी इक्विपमेंट हो, सिंगल फेज वाला, सिंगल फेज में ही कैपेसिटर का यूज करते हैं, थ्री फेज में नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि रीजन ये है कि सिंगल फेज मोटर जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, थ्री फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। अब इसमें जो सिंगल फेज में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसके साथ हम कैपेसिटर को लगाते हैं, जिससे हमारा एक फेज जनरेट हो जाता है। एक फेज जनरेट हो जाता है तो हमारी मोटर टू फेज की तरह काम करती है, टू फेज की तरह मतलब उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलना शुरू हो जाता है, इसलिए वो घूमना शुरू कर देती है। अब चलो उसके पॉइंट पे आते हैं जहां पे कैपेसिटर कितने कैपेसिटी का लगाए, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है दोस्तों। तो किसी भी मोटर का या फैन हो, कोई भी हो सिंगल फेज, तो उनका कैपेसिटर कौन सा लगाया हम, तो उसको निकालने का कैपेसिटर की रेटिंग ज्ञात करने के लिए उसका एक फार्मूला रहता है। इस कैपेसिटर का इस मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटर जो है वो उस मोटर में या फैन में लगेगा। अब कैसे निकालेंगे उसको, जैसे कि हमारी कोई मोटर है 2 HP, जैसे मोटर है हमारी 2 HP की, मोटर कितने वाट की होगी, 1 HP में होता है 746 वाट, तो 2 HP कितने की हो गई, 2 HP हो गए 1492 वाट की। अभी ये म्यू ऑफ एक माइक्रो फेराड कैपेसिटर हम निकालना है अभी, कैपेसिटर की वैल्यू, ठीक है। तो हमारा कितना होगा, ये 1492, ये हो गया 1492, ये है हमारा पावर रेटिंग, ये वाट में रहेगा, ये है इफिशियंसी ईटा, इफिशियंसी ये वी बोला तो वोल्टेज, जो मोटर का जो वोल्टेज रहता है या फैन का जो भी चीजें हम ले रहे हैं,
उसका ये वी और एफ बोले तो फ्रीक्वेंसी रहेंगी 50 हर्ट्ज आपको पता है ठीक है। 1492 वाट का हमारे कोई मोटर है, जैसे 2 HP की मोटर है तो वो 1492 वाट की होंगी, एक फिर 740 वाट का होता है तो 2 1492 इनटू इफिशियंसी मोटर के ऊपर लिखी रहती है दोस्तों। किसी के ऊपर 80 लिखी रहती है, 85 लिखी रहती है, किसी को 90 है ना, जो बड़ी मोटर रहती है वो ज़्यादा 90% की रहती है ठीक है, इफिशियंसी परसेंट में लिखी रहती है। तो हम 80% पकड़ चलते, ज़्यादातर तो 80 लिखा रहता है ठीक है, ये 80% पकड़ चल रहे ठीक है। 80 इंटू वोल्टेज, वोल्टेज है ये आपको चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज मोटर के ऊपर लिखा रहता है कितने, जो भी वोल्टेज है ना 220 रहता है, 230 भी रहता है, 240 भी रह सकता है। तो हम यहाँ 240 के साथ कैलकुलेशन करेंगे ठीक है, 240 का स्क्वायर है मतलब 2 बार 240 रहेंगे ठीक है, इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहती है ये आपको पता है ठीक है, और ये इंटू में आ जाएगा 1000। अभी सर कैलकुलेशन करके देखेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 11,9,360 ये कुछ वैल्यू रहेंगी, डिवाइड ये ऊपर रहेगा ठीक है, डिवाइड में डिवाइडेड में आएगा 2880 और ये कुछ वैल्यू रहेंगी ठीक है। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हम हमारा वैल्यू जो आएगा 41.4, मतलब इतने कैपेसिटी का हमको जो है वो कैपेसिटर लगाना पड़ेगा 2 HP मोटर के लिए, 2 HP मोटर के लिए इतने कैपेसिटी का, इतने कैपेसिटी की कैपेसिटी का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा ठीक है। 41.4 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर हमको 2 HP की मोटर में लगाना पड़ेगा दोस्तों। इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, ये मैंने यहाँ पे 240 वोल्ट माना है, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मोटर के ऊपर रेटिंग क्या है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा है ना, उसकी इफिशियंसी देखना पड़ेगा। 80% लिखा है तो आप 80 का 80 से कैलकुलेशन करना, 90 लिखा है 90 से कैलकुलेशन करना है ना, उसके हिसाब से वैल्यू चेंज हो सकती है। वोल्टेज मैंने 240 लिया है, अगर वहाँ 230 लिखा है तो उसके हिसाब से भी वैल्यू चेंज हो सकती है ठीक है। तो ये आ गया हमारा 41.4 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर जो है वो 2 HP की मोटर में लगेगा। अगर इसके जगह पे सिंगल फेज की मोटर रहती तो अगर मान लो सिंगल फेज की मोटर है तो हम इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सिंगल फेज की मोटर है तो 740 वाट रहेगा, 740 वाट इंटू 80% ठीक है, 80% मान के चलते ये ईटा है ना, इफिशियंसी जिसकी 80% है ठीक है, वोल्टेज हम वही 240 मानेंगे, 240 का स्क्वायर इंटू फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज लेंगे ठीक है, ये इंटू 1000 हो जाएगा ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, 5,9,680,000 ठीक है, डिवाइडेड बाय 2880,000 ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 20.72, मतलब इतनी कैपेसिटी का कैपेसिटर जो है हमको सिंगल फेज, सॉरी सिंगल फेज तो है ही, 1 HP मोटर में लगेगा, 1 HP, 1 HP है, 740 वाट की रहती है ठीक है, 1 HP के में हमें इतने कैपेसिटर कैपेसिटर लगाना पड़ेगा ठीक है दोस्तों। उसी तरह से अगर हाफ एचपी हो तो हम इसके हिसाब से देखा जाएंगे तो लगभग 10 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर लगेगा, हाफ एचपी हो तो 1 HP है 20 का लग गया लगभग, 2 HP का तो इससे डबल है ना, 40 माइक्रोफेराड का लग गया। तो ये फंडा होता है दोस्तों, ये फार्मूला है कि कौन सी भी मोटर हो या फैन हो उसका कैपेसिटर वैल्यू निकालने के लिए, तो हम इस उसकी ये वैल्यू पुट करके हम कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, उस कैपेसिटर का कैपेसिटर हम जो है लगा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा दोस्तों। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा दोस्तों, थैंक यू।